शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट के एक्सरे कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था चेस्ट पी बी एक्सरे जो पेशेंट रिप्लेसमेंट कराते हैं वही शोल्डर जॉइंट में रिप्लेसमेंट कराना है, आपको ऑर्नामेंट वगैरह रिमूव करना। शोल्डर जॉइंट के लिए आप यहाँ पे बेसिकली तीन एक्सरे करते हैं, इसके अंदर शोल्डर एपी लेटर और शोल्डर का एक्सरे। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले पेशेंट है, पेशेंट को क्या करना है, पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में है, इसके बाद पेशेंट का जो पोस्टीरियर पार्ट है इसके अंदर क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट पीछे, और पेशेंट का एंटीरियर पार्ट है वो एक्सरे ट्यूब के सामने। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, शोल्डर जॉइंट पे क्या करना है, शोल्डर है उससे 3 से 4 सेंटीमीटर 4 से 5 सेंटीमीटर पेशेंट को अबाउट रखना है शोल्डर जॉइंट, राइट ईयर या लेफ्ट है वो आपको मेंशन करा रही स्लिप कर। उसके बाद क्या करना है, जो ये हाथ है इस हाथ को आपको सीधा करवाना है, जो सीधा करना है, सीधा करवाने के बाद क्या पेशेंट को बोलना है पीछे आराम से चिपक जाना, मुंह उधर करना है, और ये जो भी है जैसे ये लेफ्ट है अभी तो लेफ्ट को अपन को पेशेंट के क्लोज कॉन्टेक्ट में रहना, फिर एक्सरे ट्यूब है एक्सरे ट्यूब को अपन को इसके पास में लाना है, पास में लाने के सेंटर सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जो शोल्डर जॉइंट जो हेड ऑफ या हुमरस है और शोल्डर है दोनों के बीच में यहाँ पे इसकी सेटिंग करना है, ये पूरे आपका शोल्डर है। शोल्डर लेटरल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शोल्डर लेटरल करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ को यूं करना है, हाथ यूं कर दिया फिर शोल्डर लेटरल। शोल्डर एक्जियल में क्या होता है, हेड ऑफ हुमरस है वो अपना एकदम पूरे तरीके से दिखाई देता है, शोल्डर एक्सेल मेन होता है जिसके अंदर अपन को सीखने का सबसे एपी लेटरल तो अपन ने सुना ही है करते हैं। शोल्डर एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट है पेशेंट को क्या कराना है, जो एंटीरियर पार्ट है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रखना है पेशेंट के बेसिक में, और पोस्टीरियर पार्ट है वो क्लोज वो फेसिंग कराए एक्सेट। शोल्डर एक्सेल में क्या करते हैं, जो पेशेंट का जो जैसे ये लेफ्ट तो पेशेंट को उधर 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 किस कारण, फिर क्या करना है पेशेंट के हाथ को ऊपर करो, ऊपर जितना ऊपर हो सके, फिर क्या करना है अपन को जो कैसेट है कैसेट को 5 से 6 सेंटीमीटर शोल्डर से अबोव करना है, अबोव करने की बात करना है पेशेंट के जो फिट है दोनों पास में दो क्लोज कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, और फेस है उधर की तरफ, और ये हाथ लंबा रखिए इसको थोड़ा ऊपर करना है 5 से 7 सेंटीमीटर या 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर करना है कैसेट को ऊपर करवा दें। फिर क्या करना है, जो अपनी जो सेंटर लाइन है वो सेंटर लाइन क्या होना चाहिए, जो ये जो हेड ऑफ हुमरस जो बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे उसकी सेंटरिंग करनी है हेड ऑफ हुमरस, और ये क्या होगा शोल्डर का एक्जियल, इसमें आपको शोल्डर के एक्जियल के अंदर हेड ऑफ हुमरस अच्छे तरीके से दिखाई देगा है, जिसके अंदर हेड ऑफ हुमरस में जो फ्रैक्चर होगा वो अच्छे तरीके से दिखाई देगा दिखने लग जाएगा। जो अपन KVP MS का यूज करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं 16 MS दे देते हैं, और KVP है वो 57 या 58 KVP का यूज करते हैं। कैसेट साइज इसके अंदर 10-12 का यूज होता है, जो अपनी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी है उस हिसाब से 10-12 कैसेट का यूज होता है। पेशेंट इरेक्ट हो सकता है तो पॉसिबल हो इरेक्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कीजिए।